यहाँ पर RGB लाइट्स के मोड जो दिए गए हैं वो 10 से ऊपर आपको मोड्स मिल जाते हैं। 10 चेंजिंग मोड मिलते हैं यहाँ पर। 16 ड्राइवर के साथ इंडिया का अभी तक का टॉलेस्ट जो है अपना टावर स्पीकर, डबल टावर, जिसके अंदर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब ऊपर मिलते हैं कि इसके अंदर क्या रहने वाला है। यहाँ पर देखिए ड्यूल मैग्नेट आपको यहाँ पर 100, उसके पीछे दूसरी मैग्नेट मिलती है, ड्यूल मैग्नेट। ये एक रेवोल्यूशन है, अभी तक कोई भी किसी भी कंपनी ने ऐसा नहीं करके दिखाया आपको। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लाया हूँ जिनका पूरे भारत में डंका बजता है और बेस के नाम से पूरा मशहूर दे रखा है, फ्लो बीट्स। जी हाँ पाजी हमारे साथ फिर से धमाका करने के लिए। कैसे हैं पाजी आप? मैं बढ़िया सर, आप बताएं कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ धमाका करते रहते हो, नई नई वैरायटीज फिर से ले आए सर इस बार? जी हाँ, आप काफी लेट हो चुके हो, मतलब टोटली वैरायटी चेंज हो चुकी है। मैं वही देख रहा हूँ सर, क्या इस बार मतलब तबाही। जी हाँ बिल्कुल, हीरा सीरीज जो है और ज्यादा पहले से ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। उसके अलावा फॉक्स 11 देखिए, लाइट्स वाला सामने जो है मॉडल आ चुका है फ्रंट फायर ऊपर के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है हमारा ऑक्टेवियम 10.2 मॉडल, यहाँ पर देख रहे हैं जो बहुत ही प्यारी लाइट्स के अंदर आपको मिल जाता है। सबसे बढ़िया बात ये ग्रिल के साथ आपको कोई एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर पैनल नहीं मिलता, सीधा वुडन के अंदर इसको फिक्स किया गया, जिसकी वजह से क्या इसके अंदर डिस्टॉर्शन के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। स्पीकर देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक से एक देखिए धमाकेदार, मतलब यहाँ पर पार्टी बॉक्स तबाही धमाका करने के लिए देखिए इस तरीके से सर ले आए हैं। जी पार्टी बॉक्स, जी हाँ बिल्कुल पार्टी बॉक्स। और यहाँ पर 6.1 आपको साउंड बार विद सबवूफर मिल जाता है, 6.1 जी हाँ, डाउन फायर वूफर के साथ आपको यहाँ पर जो है चार ड्राइवर सामने बार के अंदर मिल जाते हैं और एक ड्राइवर वहाँ, एक रियर के हैं और सामने बार आपको फ्रंट के अंदर मिल जाती है, तो सिनेमा का भी पूरा मजा मिलेगा। और प्राइस ऐसी दे दूंगा कि सोचने पर मजबूर कर दूंगा कि ऐसा मतलब भी सोच है। से भी सस्ता देखिए आप लोगों को प्राइस यहाँ पे मिलने वाला है। एग्जैक्टली मतलब पूरे भारत में बात करूं तो इससे बेटर ऑप्शन देखिए स्पीकर्स का कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं दे पाएगा आपको। उसके मल्टीपल रीजंस है, सबसे पहले तो मेरा 4 साल का साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद इस फील्ड के अंदर मैंने कदम रखा और आप लोगों तक ऐसी टॉप नॉच क्वालिटी पहुंचाई। उसके बाद मुझे रोलिंग बेस के लिए जाना जाता है, आपको साउंड के सिग्नेचर्स बड़े से बड़ी कंपनी नहीं बताती, बट फ्लो बीट्स ने आपको साउंड के सिग्नेचर्स भी समझाए हैं। सही बात है। पंच बेस, डीप बेस, अल्ट्रा डीप बेस और रोलिंग बेस। रोलिंग बेस के अंदर हम डील करते हैं। अब रोलिंग बेस क्या होती है, जब गाड़ी के अंदर आप बैठते हैं गाड़ी वाली बेस की फील आपको घरों के अंदर देने के लिए, वो भी बहुत कम प्राइस के अंदर, मात्र 5200 रुपए के अंदर आपको ये डबल टावर मिल जाता है यहाँ। अच्छा पर जी? जो पूरी वाइब्रेशन आपको रोलिंग बेस देता है और लोज बड़े परफेक्ट आते हैं। okay. ये सारी डिटेलिंग आपको धीरे धीरे बताएंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। सर अपनी रेंज कहाँ से स्टार्ट होने वाली है? रेंज मेरी टावर की 2000 से स्टार्ट हो जाती है, मेरी वेबसाइट www.flowbeats.in से आप ले सकते हैं जाके। उसके अलावा आज हम बात करेंगे सबसे पहले अपने पार्टी बॉक्स की। जी पार्टी बॉक्स में मेरे साथ बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती हैं। सबसे पहले आपको दिखा दूं, यहाँ पर पीछे से चालू करते हैं, ये आपको 3500 का पार्टी बॉक्स मिल जाता है। अच्छा। इसके अंदर यहाँ आप देख रहे हैं सामने लाइट जलती हैं और इसी के साथ इसके अंदर आपको 8 इंच का स्पीकर मिलता है, यहाँ पर आपको एयर एग्जॉस्ट फ्रंट की तरफ मिलता है, साइड में सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। इस साइड में देखिए, साइड में सारे कंट्रोल्स मिलते हैं आपको। इसके अलावा ये ट्रॉली भी मिलती है, हैंडी भी है और ये ट्रॉली भी है यहाँ, ये भी दे रखा है जी हाँ, कहीं पर आप इसको ले जाइए ऐसे। अच्छा। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको एक कोर्डलेस माइक और एक आपको वायर वाला माइक, दोनों फ्री मिलते हैं साथ में। क्या बात। प्राइसिंग सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, प्राइसिंग इसका मिल जाता है सिर्फ आपको 3500 रुपए के अंदर आपको ये 8 इंच की ट्रॉली मिल जाती है। इसके बाद दूसरी ट्रॉली आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ये इसके अंदर आपको 6-6 इंची 2 आपको वूफर्स मिल जाते हैं और कंट्रोल देखिए इसके सारे ऊपर मिलते हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ आपको लाइट चेंज कर सकते हैं, ये इक्वलाइजर का मोड, ये TWS का फीचर आपको मिलता है। TWS का मतलब ट्रू वायरलेस स्टीरियो। एक पार्टी बॉक्स मेरे पास ये है, इसके साथ का एक पार्टी बॉक्स, दोनों को एक साथ कनेक्ट करना चाहूं तो कनेक्ट कर सकता हूं। साउंड बहुत प्यारा है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं रिकॉर्डिंग का फीचर है, रिकॉर्डिंग को आप डिलीट भी कर सकते हैं यहीं से, ये मोड का ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पर आपका माइक, वॉल्यूम, गिटार, इको, ये ट्रबल और ये बेस, यहाँ सारे कंट्रोल मिलते हैं। DC चार्जर मिलता है आपको साथ में और यहाँ पर आपको एक माइक और एक गिटार लगते हैं। यहाँ ऑक्स का ऑप्शन मिलता है आपको साथ में और ये ऑन ऑफ का बटन। अब बात करते हैं ये सामने लाइट्स की, ये फ्लेम लाइट मिलती है, फ्लेम लाइट को आप जो है चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर देखिए। अच्छा, ये पूरा चेंज हो जाएगा क्या जी? यहाँ पर देखिए
ये पूरी चेंज हो जाती है आपकी फ्लेम लाइट, और यहाँ पर बहुत मल्टीपल आपको जो है लाइट्स के ऑप्शन मिलते हैं और सारे कलर्स मिलते हैं। एक बार चाहूंगा इसकी टेस्टिंग भी दूं आपको ताकि आप साउंड इसका समझ पाए। क्या बात है सर, साउंड बड़े अच्छे इसकी। जी हाँ, इसकी बेस बेसिकली मैंने आपको टेस्टिंग करवाई है ताकि आप लोग समझ पाए कि इस छोटे से प्रोडक्ट के अंदर भी आपको ऐसा बेस मिल जाता है। अब इसकी बात करें बैटरी की, तो बैटरी इसके अंदर आपको 4.5 एम्पेयर की मिल जाती है बैटरी। अच्छा। जिसका जो है बैकअप आपको 4 घंटे मिलता ही मिलता है, 3 से 4 घंटे के अंदर। उसके अलावा चार्जिंग होने में ये आपकी 1.5 से 2 घंटे लेती है। अच्छा। 1.5 घंटे में चार्ज होती है। एक कोर्डलेस माइक आपको साथ में मिलता है, चार्जर साथ में मिलता है, और RMS वॉट की बात करें तो 80 RMS वॉट के अंदर ये पार्टी बॉक्स रहेगा। काफी हैंडी भी है, यहाँ पर आप देखिए जैसे आप जाते हैं अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं यहाँ उठा के लेके जाते हैं इसको। उसके अलावा आप कहीं हिल स्टेशन जाते हैं, मनाली कर जा रहे हैं, दोस्तों के साथ कहीं पार्टी करने जा रहे हैं, तो इसको ले जाइए आराम से। सिंगिंग करने के लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि कैरियोके का ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाएगा। क्या रेंज है सर इसकी बात करें तो? इसकी रेंज 7,800 रुपए आपको मिल जाती है। अच्छा। 7,800 रुपीज। जी हाँ। और सबसे बड़ी बात, कहीं भी आप मंगवा सकते हैं, किसी भी स्टेट में, किसी भी पिन कोड में। 21,000 से ऊपर पिन कोड हम लोग कवर कर चुके हैं अभी तक, और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं कहीं पर भी बैठे बैठे। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एक और पार्टी बॉक्स, जो आप ये देख पा रहे हैं, इसके अंदर आपको ऐसे लटकाने के लिए बेल्ट मिल जाती है। साथ में आप इसको ऐसे रख भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा। जी हाँ। और इसके कंट्रोल्स भी बहुत ही जबरदस्त दिए गए हैं, यहाँ पर सारे कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। सेम 4 घंटे बैटरी बैकअप के साथ आपको सारे ऑप्शन के साथ ही मिल जाता है। इसके साथ भी आपको कोर्डलेस माइक मिलता है। क्या बात है, मतलब पूरा हारमोनियम जैसा दे रखा है सर ये। जी हाँ, ये तो है डॉल्फिन मॉडल। इसके बाद पार्टी बॉक्स के अंदर वैरायटी मेरे पास बहुत है, कोई कमी नहीं है, वैरायटी आप ढेरों ले सकते हैं। जैसे वहाँ पर आपको ब्लैक पैंथर दिख रहा है। अच्छा, ये वाला 12 इंच के अंदर ब्लैक पैंथर 2 UHF माइक के साथ। ओके। इसकी जो है कॉस्टिंग अगर हम बात करें तो ये आपको 10,500 का मिल जाता है। अच्छा। जिसमें आपको दो यहाँ पर देखिए वायरलेस माइक मिल जाएंगे, वायरलेस माइक और यहाँ व्हील्स मिलते हैं, कहीं पर भी आप इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए पीछे से आप इसको ऊपर नीचे करके आप ओपन भी कर सकते हैं, नहीं तो दो बंदे पकड़ के इसको ऐसे कहीं पर भी लेके सकते हैं। वेट भी इसका कम है, और कंट्रोल्स की तरफ आप ध्यान दीजिए, दो माइक साथ में, दो माइक लगा सकते हैं वायर वाले, यानी एक बार में 4 माइक यूज कर पाएंगे आप। अच्छा। गिटार लगा लो साथ में, ऑक्टापैड लगा लो, हारमोनियम लगा लो, कुछ भी आप लगा लीजिए, आपका मतलब पूरा मल्टीपल जो हमारा बैंड होता है उसका यूज करेगा ये, मतलब जैसे ऑर्केस्ट्रा। जी हाँ, ऑर्केस्ट्रा का पूरा काम करेगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिये 12 वोल्ट DC बैटरी से आप जो है इसको चार्ज करके चला सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर TWS का फीचर, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, और ये लाइट आप चाहे यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लाइट ऑफ हो गई है पीछे, ठीक है जी। और ये ऑक्स इन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप ऑक्स इन करके लगा भी सकते हैं कुछ भी है। और ये सारे फीचर आपको मिलते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि 12 इंच के अंदर आपको मिलता है। देख रहा हूं सर, स्पीकर बड़े साइज का दे रखा है। जी हाँ, काफी बड़ा 12 इंच है, और ये ट्रॉली वुडन के अंदर है। अच्छा। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं वुडन के अंदर आपको ये ट्रॉली मिलती है। सॉलिड बेस मिलेगा इसमें, सॉलिड बेस है, और साउंड बहुत ही प्रीमियम है, क्लैरिटी आपको पूरी मिलती है। और ये ओपन के लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि आउटडोर में जाके इसके वोकल्स खुल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको काफी बड़ी गैदरिंग भी कवर हो जाती है इससे। ब्लैक पैंथर इस पार्टी मतलब छोटी मोटी पार्टी के लिए बढ़िया चीज रखी है। एग्जैक्टली। क्या बात, तो इस रेंज में से बात करूं तो ये 10,500। क्या बात। जी हाँ, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको दिखाते हैं बिग फ्लेम पार्टी बॉक्स, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। ये देखिए जी, बिग फ्लेम। जी ये देखिए जी, मतलब काफी वजन है, क्लाइंट ले भी गए हैं ये। जी, बिग फ्लेम पार्टी बॉक्स 10-10 इंची 2 वूफर के साथ आपको मिलती है। अच्छा। साथ ही यहाँ पर हाइज मिल जाती है, और कंसोल सबसे पहले नोट करने वाला है जी। कंसोल जो है फुली लोडेड कंसोल है। अब इसके अंदर थोड़ी सी धांधली इन दिनों क्या चल रही है मार्केट के अंदर, आपको कहीं पर 1,000-1,500 सस्ता भी मिल जाएगा, 2,000 भी सस्ता मिल जाएगा, मगर बैटरी का फर्क रहेगा। उसके अंदर आपकी 7 एम्पेयर की बैटरी होगी, इसके अंदर 12 एम्पेयर की बैटरी है। क्या बात है। और दूसरी चीज, माइक नोटिस कर लेना, माइक इसके जो है 16,000 वाली के ऐसे प्रीमियम माइक होंगे। अच्छा। ये एल्युमिनियम माइक होंगे, देखना माइक काफी वेट वाले हैं इसके। और उसके जो माइक है जो सस्ती आ रही है उसके माइक हल्के हैं, प्लास्टिक के माइक है बराबर। इस चीज मतलब को नोटिस करें, कॉस्ट कटिंग की हुई है इस चीज को नोटिस करना। तो अब वापिस आते हैं हमने प्रोडक्ट की तरफ, यहाँ पर जाना ही नहीं आपके अलावा तो। जी हाँ, पर फिर भी क्या है कि पब्लिक को जब तक आप फर्क नहीं समझाओगे, समझ नहीं आया, क्यों कहीं भी जाओगे लुट करके आओगे और
काम की चीज नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली बिल्कुल, रीजन उसका ये है कि दिखाने वाला दूसरा भी तो तारीफ ही कर रहा है, वो ये नहीं बोल रहा है कि मेरे माइक हल्के हैं, वो तो ये बोल रहा है अपना बढ़िया है, अपना जो है ये सारी क्वालिटी है। मगर मैं आपको क्लियर फर्क बता दिया है कि 7 एम्पेयर बैटरी और 9-12 एम्पेयर बैटरी दोनों में फर्क रहता है, इसलिए 7 घंटे बैकअप देती है आपको, इसलिए इसका नाम है बिग फ्लेम पार्टी बॉक्स 7.0। ओके जी, और यहाँ पर एसी डीसी दोनों है, ऑक्स का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है आपको, यहाँ पर आप देख रहे हैं पेन ड्राइव का फीचर, यहाँ गिटार इन एक गिटार आते हैं, और ये दो माइक यहाँ भी लगा सकते हो आप, दो माइक साथ में आपको मिलेंगे ही कोर्डलेस, जिसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको देखने को मिलती है स्क्रीन के ऊपर, और उसके अंदर आपको जो है 50 मीटर की रेंज मिलती है। क्या बात है। साथ ही साथ TWS का फीचर यहाँ पर डिस्प्ले ऊपर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, आप सिंगिंग कर रहे हो तो ये जो है रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो उसकी। अच्छा। और जो सिंगर्स है उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है, जो बिगनर्स है उनके लिए तो खास करके बहुत बढ़िया चीज है। क्यों? क्योंकि माइक के अंदर क्लैरिटी क्वालिटी ऐसी है कि आवाज को और इनहेंस करके निकालती है, चाहे वो मैं ही हूं, मुझे भी जो है इससे सिंगिंग का शौक आया था जब मैं इसके यूज करता हूं। तो यहां पर आप अपने बेस को कंट्रोल कर पाओगे, कौन से माइक के बेस को, यहाँ पर देखो ये माइक है, माइक में अगर मैं गा रहा हूँ तो अपनी आवाज को पतला भारी हर तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए ये बेस ट्रबल दिया हुआ है माइक का, जिससे क्या है कि मुझे मेरे वोकल जो है और इनहेंस होकर निकलते हैं, होना है कितना नहीं होना सारा कुछ आप सेट कर सकते हो। एग्जैक्टली वहीं पर। और यहाँ पर RGB लाइट्स के मोड जो दिए गए हैं वो 10 से ऊपर आपको मोड्स मिल जाते हैं, 10 चेंजिंग मोड मिलते हैं यहाँ पर। तो एक बार इसकी भी टेस्टिंग लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, फिर से बोल रहा हूँ 7 घंटे बैटरी बैकअप है, मतलब 7 ही मिलेगा, प्लस मिलेगा माइनस नहीं मिलेगा। चलिए साथ में आपको लाइट्स भी चेंज करके दिखाऊंगा मैं यहाँ पर, वही देख रहा हूँ। पूरे बीट्स के साथ लाइट भी चेंज हो रही है सर, लाइट्स भी चेंज होती हैं, और सबसे अच्छी बात इनकी है इनकी प्रोग्रामिंग ऐसे सेट की जाती है कि म्यूजिक के साथ साथ लाइट्स जो हैं ऊपर नीचे होती हैं और अपने फ्रेम के अंदर वर्क करती हैं। सबसे बढ़िया बात इसकी ये रहने वाली है कि इसको आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो, व्हील्स इसके अंदर लगे हैं, क्योंकि वेट वाला प्रोडक्ट है काफी, मतलब अगर मैं वजन की बात करूं तो अप्रोक्स 20 kg के अराउंड होगा, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा ही होगा, बट ये कि व्हील्स होने की वजह से आप कहीं पर भी इसको लेके जा सकते हो। साउंड भी बहुत शानदार दे रखी है। दूसरे पार्टी बॉक्स में क्या रहता है कि ये कैबिनेट जो है हल्की रहती है, और कैबिनेट हल्की होने की वजह से जब बेस ज्यादा आती है तो वहां पर कैबिनेट फड़फड़ाने लग जाती है, नोटिस करना इस चीज को। मगर इसकी कैबिनेट बहुत ज्यादा हैवी है, जिसकी वजह से आपको इतना प्रॉपर इतना हाई प्रोफाइल बेस आ रहा है। और फिर से बोलता हूँ कि बैटरी बैकअप की तरफ देखना और माइक की तरफ जरूर देखना, अगर आपको कोई बहला फुसला रहा है 1000-1500 मत बचाने के चक्कर में रहना, रुक के लेना पर क्वालिटी वाली चीज लेना। जी हाँ, तो प्राइसिंग भी बता दी मैंने आपको, सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपए इसका प्राइस रहने वाला है। जी देखिए, जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको बता देते हैं कि हमें क्यों जाना आता है टावर स्पीकर्स के अंदर, हम टॉप आते हैं अपने इंडिया के अंदर, ऐसा क्यों है? क्योंकि रोलिंग बेस के अंदर हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। ये देखिए छोटा सा है डबल टावर। अब ये इतना हाई प्रोफाइल क्यों बेस प्रोड्यूस करता है, इतनी हैवी बेस क्यों मिलती है इसके अंदर? क्योंकि 7294 आईसी के अंदर इसको डिजाइन किया गया है। यानी कि आईसी भी दिखाता हूं, 4 तरह की आईसी होती है, 20-30, 20-50, 72-65, 72-94। ये जो है 20-50 में भी ऑपरेट कर सकते थे लोग, जो है 10 इंच तक जो है 20-50 से चला देते हैं 10 इंच का ड्राइवर, पर मैंने यहाँ पर 6 इंच को ऑपरेट किया 7294 से। और यहाँ पर 6 इंच 90 मैग्नेट है, 80 मैग्नेट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको फ्रंट जो है यहाँ पर 4 इंची फुल रेंज का स्पीकर मिल जाता है, और इसके अंदर आपको कोर्डलेस माइक बिल्कुल फ्री मिलता है। इस तरफ नीचे भी दिखाता हूँ आपको, देखिए इसके साथ रहेगा। जी हाँ, कोर्डलेस माइक बिल्कुल साथ में फ्री मिलेगा, और साथ में आपको वायर्स दिखा देते हैं पीछे की साइड में, देखिए। अच्छा, ये एक सिंगल वायर है। जी हाँ, ये देखिए कनेक्टर लगे हैं, और ये जो है यहाँ पर भी आपको इसके अंदर भी सेम कनेक्टर मिल जाता है, ये आपस में मेल फीमेल जॉइंट होते हैं, ठीक है, और ये जो है फिर दोनों आपस में कनेक्ट करने के लिए कंपैटिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटी आपको मिलती है। उससे उसके इलावा इसके अंदर ट्रांसफार्मर जो है वो आपको जितने प्रॉपर एम्पेयर चाहिए उतने ही दिए जाते हैं। हम लोग करंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़वा के और एम्पेयर कम नहीं करते। अच्छा। कि ट्रांसफार्मर छोटा लगाओ, ट्रांसफार्मर आप देखना, मतलब तभी नॉर्मल से अपना जो वजन है इसके अंदर आपको इतना हैवी मिलता है, जैसे नॉर्मली आपको 5-7 किलो होता, तो ये आपको जो है 8-9 kg ही मिलेगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये चीजें ताकि आपको पता लगे कि अंदर क्या क्या चीजें लगी हैं। तो ये तो रहा हमारा ब्लैक डायमंड कंपोनेंट की बात करूँ तो हैवी लगा रखे हैं, पूरे हैवी लगाए हैं। मैं एक बार कोशिश करता हूँ इसको खोल के भी दिखाऊं। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं सबसे पहले के थोड़ा सा आपको मैं लिटा देता हूँ इसको, तब भी आपको समझ में आ पाए।
यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए जी, ये जो आईसी है ये आपका 7294 आईसी लगा हुआ है। ये 2030 के दो आईसी हैं, इसके अलावा ये 7294 आईसी है। 2030, 2050, 7265, 7294 आईसी बड़े बड़े 10-10 इंची के डबल 4 इंची चलाने में यूज करते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ 6 इंच को ऑपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर आईसी यूज किया है। और यहाँ पर एक बार ये देखिए, बीच में जो माइका लगा है ये आईसी को इसके साथ टच होने से जो है वो बचाता है, जिसकी वजह से क्या है कि आईसी शॉर्ट होने से बचता है। काफी लोग जो है इन चीजों में भी नोट गौर नहीं करते, पर हम लोग जो है यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। और यहाँ पर देखिए जितने भी कैपेसिटर हैं यहाँ पर जो है सबके अंदर आपको जो है गम मिलेगी, जिसकी वजह से क्या है कि जब हाई प्रोफाइल बेस आता है तो यहाँ पर ये भी हिलने का कोई चांस नहीं रहता, और अपनी ब्रांडिंग भी आपको पूरी मिल जाती है फ्लो बीट्स की यहाँ पर। तो और जेन्युइन देखिए दोस्तों, कंपोनेंट आपको देखिए स्पीकर के अंदर जिनको आउटडोर इनडोर दोनों बजाना है, यानी इनडोर में भी आपको बड़े एरिया के अंदर पार्टी करनी है, और आउटडोर भी अगर आप जाएं तो वोकल जो है वो गायब ना हो। थोड़ा सा डिटेल दूंगा यहाँ पर, थोड़ी सी मेरी आदत को आप खराब मानी चाहे सही मानिए। जी हाँ यार, देखिए ये हाइज लगी है, नॉलेज होती है वही डिटेल देता है। जी हाँ, ये हाइज रहती है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ट्यूटर होता है। अच्छा, जो ये ट्यूटर ये हमेशा होता है 15 वॉट का, और ये हाइज रहती है 60 वॉट, या इससे ऊपर भी जा सकते हैं या इससे नीचे भी जा सकते हैं, या कि नहीं यहीं से क्लियर रहता है। इससे 4 गुना ज्यादा ये परफॉर्म करती है आवाज के अंदर। अच्छा, इससे ये जाहिर होता है कि ओपन के अंदर ये जब चलेगा तो हाइज आपकी दूर तक आवाज फेंकेगी, क्योंकि अगर हम आउटडोर में यूज करेंगे तो बेस से ज्यादा काम करती है आवाज। बस यहीं पर आपकी सारी चीजें क्लियर होती है कि ये आउटडोर और इनडोर बड़े एरिया के लिए काफी बेस्ट है। दूसरी चीज, यहाँ पर फ्रंट फायर वूफर दिया गया हमारा 10 इंची 120 मैग्नेट साइज, 120 मैग्नेट के अंदर। मैं बार बार आपको मैग्नेट के बारे में बोलता हूं, कोई नहीं आपको ये चीजें बताता। 10 इंची के अंदर 90-17 मैग्नेट चलता है, 100 मैग्नेट चलता है, 120 चलता है, 135 चलता है। बस 135 भी तब चला जब फ्लो बीट्स लेके आया हीरा 4 प्रो के अंदर, इससे पहले 135 नहीं था, ना किसी ने बनाया है। तो फिर से बात करते हैं फॉक्स 11 की। अब इसको ऑपरेट करने के लिए पीछे जो आईसी यूज हुए हैं वो मॉस्फेट यूज हुआ है, 5200 के 4 मॉस्फेट यूज हुए हैं, और वो भी ओरिजिनल तोशिबा जापान के हम लोग यूज करते हैं। खुद से अपना इंपोर्ट करवाते हैं जापान से, यहाँ लोकल डीलर से नहीं परचेज करते। क्यों? अच्छा। क्योंकि डुप्लीकेसी आनी ही आनी है, कोई नहीं रोक सकता, मगर वहां से आपको ओरिजिनल मिलेगा प्रोडक्ट, जिसकी वजह से क्या आपको पावर जो है इसकी पीक पावर पूरी मिलती है। और फिर उसके बाद जो इसका हार्ट माने जाने वाला सिस्टम का दिल जो होता है वो ट्रांसफार्मर, उसके एम्पेयर भी प्रॉपर दिए जाते हैं, और वो भी हमारा प्योर कॉपर के अंदर रहता है वो ट्रांसफार्मर। तो ये सारे सिस्टम की बात होगी। 10-10 इंची 4 सबवूफर हाइज के साथ यहां आपको कंट्रोल मिलते हैं, डिस्प्ले आपको सामने मिलती है, और फ्रंट फायर वूफर के अंदर रहता है। अब इसके अंदर बेस इतना जबरदस्त इसलिए दिया गया है क्योंकि यहां पर देखिए इसकी विर्थ और इसकी डेप्थ जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिजाइन की गई है। 14x14 का है, जिसकी वजह से क्या है आपको बेस के अंदर पूरा जो इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक वेट पूरी बेस घूमने का मौका मिलता है, पंच को पूरा घूमने का मौका मिलता है, और एकदम बेस्ट बेस निकल के आता है। एक बार इसकी टेस्टिंग देते हैं, हेडफोन्स प्लीज जरूर लगाना। क्या बात है सर, धमाकेदार है। तो यही तो ये हिलाने के लिए है ये। एग्जैक्टली, देखो मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ, पब्लिक आपके पास आनी ही आनी है। रीजन उसका ये है कि भाई मेरे को हर किसी को नहीं देना, मेरे को सिर्फ उन लोगों को देना जिनको एक्सट्रीमली हाई बेस चाहिए। जो वो ये बोले अपने पड़ोसियों के, भाई तू क्या लेके आया, जो मैं लेके आऊंगा उसके आगे तेरा कुछ भी नहीं होगा, बस उन लोगों के एग्जैक्ट उनके लिए ही मैं बनाऊं, और उसी सोच के साथ अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करता हूँ, बनाता हूँ, और यहाँ आपके सामने उतारता हूँ। बेहतरीन, देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से, मतलब चला दो तो पड़ोसी मोहल्ला पूरा हिलने वाला है। अभी कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है फोक्स 11। इसके बाद अपना 12 इंची भी पड़ा है। अच्छा, 12 इंची सुपर एक्सप्लोर मॉडल जो भी टेस्टिंग के अंदर चल रहा है, और 12 इंची के बाद 15 इंची सुपर मैसिव जो 8 मॉस्फेट के अंदर मैंने बनाया। जब वो रोड के ऊपर चलाता हूँ तो पूरी गली के जो है शीशे खिड़कियां हिलाता हूँ, इतना पावरफुल है। इसके बाद जो है अपने पास यहाँ पर चीजें बहुत है, जैसे यहाँ पर देखिए अर्थक्वेक 2 आपको मिल जाता है। क्या बना दिया ये? जी हाँ, पूरे 16 ड्राइवर के साथ इंडिया का अभी तक का
टावरलेस जो है अपना टावर स्पीकर डबल टावर जिसके अंदर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबवूफर मिलते हैं और वहीं आपको 1, 2, 3, 4 मिड रेंज और 1, 2, 3, 4 आपको ट्यूटर मिलते हैं, यानी टोटल 16 ड्राइवर मिलते हैं। और मजे की बात यह है कि ड्यूल मैग्नेट के अंदर, यानी कि मैग्नेट के पीछे मैग्नेट लगा हुआ है। यहाँ पर आपको एक खोल के दिखाऊंगा, ये अर्थक्वेक 1 है और ये अर्थक्वेक, सॉरी ये अर्थक्वेक 1 है और ये अर्थक्वेक 2 है। अर्थक्वेक 1 के अंदर आपको 6 सबवूफर मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और वहीं पर आपको 2 मिड रेंज यहाँ और 2 मिड रेंज यहाँ और यह 2 आपको ट्यूटर मिल जाते हैं जो कि बीड्स के लिए रहते हैं। तो बात कर रहे थे अर्थक्वेक 2 की, ये आपको 24,000 का मिलता है डबल टावर। अच्छा। और जिसकी प्राइस जो है 17,000 आपको अभी ऑफर प्राइस के अंदर मिल जाता है और HDMI ऑप्टिकल इनके साथ मिलता है। अच्छा जी, अरे वाह। कनेक्टिविटी के अंदर आपको ब्लूटूथ ऑक्स USB FM रेडियो सारे फीचर मिलते हैं, मगर एक एडवांस फीचर क्या मिलता है, HDMI और ऑप्टिकल इन, ये दो चीजें आपको इसके अंदर मिलती हैं जो इस प्रोडक्ट को सबसे बेहतरीन, सबसे हटके, सबसे अलग बनाती हैं। और प्राइसिंग मैंने आपको बता दी, सारी चीज़ें बता दी, साउंड सिग्नेचर रह गया बताना। अब ये किन लोगों के लिए है भाई, वोकल इसके बहुत बढ़िया है, आउटडोर में भी परफॉर्म करेगा और इंडोर में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। क्यों? मतलब 8-8 सबवूफर लगे हैं सर इसमें। जी हाँ, क्योंकि 4 हाइज भी दी हुई है इसके अंदर, ट्यूटर भी दी है, तो इसीलिए इंडोर जिनको चाहिए वो भी ले लो, आउटडोर जिनको चाहिए वो भी ले लो। और उसके अलावा अगर आपको इसके अंदर D+ रोलिंग बेस आप सुनना पसंद करते हो, बहुत एक्सट्रीमली हाई बेस नहीं सुनना चाहते, बैलेंस बेस चाहते हो, तो उसके लिए आपका ये बेस्ट चीज है, उसके साथ आप जा सकते हो। तो दोस्तों ये जो भी आपने टेस्टिंग ली है अर्थक्वेक 2 की थी। अच्छा। YouTube की वीडियो ज्यादा टेस्टिंग नहीं दे सकता क्योंकि कॉपीराइट का चांस होता है, बट कोई बात नहीं, मेरे Instagram पे जुड़ जाओ flowbeats.in, वहां पर आपको जो है टेस्टिंग ही टेस्टिंग है, एक दिन में 6-6 रीले डलती हैं। अच्छा? मतलब दिल खोल के रीले डालते हैं हम लोग, ये सबका एंटरटेन होता रहे, तो वहां पर आप देख सकते हैं अर्थक्वेक 2 की सारी डिटेल दे दी। अब एक चीज रह गई है इसके अंदर, मैं बोलता हूँ कि मैग्नेट के पीछे मैग्नेट है। देखिए मेरा इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ यही रोल है कि इस इंडस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशन लेके आना, चीजों को जो है नया लेके आना, नया करते आना, ताकि इंटरेस्ट बना रहे और आप लोगों को भी ऐसा लगे कि यार इंडिया के अंदर कोई तो है जो इस चीज के ऊपर भी काम कर रहा है, साउंड के ऊपर भी बिल्कुल जमीन से जुड़ के, ताकि मैं कोई कॉर्पोरेट कल्चर नहीं चलाना चाहता, मैं हमेशा मिडिल क्लास लोगों के लिए ही हूँ, ताकि उन लोगों ने जो आप बड़े बड़े शोरूम में आके देखते हो चीजें 50,000, 60,000, 70,000, वही चीजें आपको कम प्राइस रेंज के अंदर दे पाऊं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट हीट सिंक जो हमारे द्वारा लगाई गई है, यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी, ताकि आप लंबे टाइम तक भी प्ले करो। ये हीट जरूर होगी, देखिए अभी हीट है पूरी, बिल्कुल गर्म हो रही है। जी हाँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये हीट हो रही तो ये खराब होने वाली है, साइलेंसर है, जितना गर्म होगा उतना चलेगा, तो ये इसका पार्ट रहता है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए HDMI और ऑप्टिकल लिंक दोनों फीचर आपको मिल रहे हैं, ये फीचर भी कोई नहीं देगा आपको जो मैं आपको देता हूँ। और अब इसको खोल के आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या रहने वाला है। यहाँ पर देखिए ड्यूल मैग्नेट आपको यहाँ पर 100, उसके पीछे दूसरी मैग्नेट मिलती है, यानी ड्यूल मैग्नेट। ये एक रेवोल्यूशन है, अभी तक कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करके दिखाया आपको। सब एक सिंगल मैग्नेट लगाते हैं, मगर मैंने आपको मैग्नेट के पीछे मैग्नेट, या फिर आपको बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर जाना पड़ता है, उसकी कीमत भी बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। देखिए यहाँ पर MOSFET लगे हैं 5200 के 4, जो कि ओरिजिनल तोशिबा जापान से हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए कि नीचे कंपार्टमेंट, यहाँ पर देखिए कंपार्टमेंट अलग से यूज किया जाता है वहां पर, ताकि जो है बेस जो है उसको इफेक्ट ना करे मिड रेंज को। ट्यूटर के अंदर तो पहले यहाँ से कवर होता, तो यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती। तो सारी डिटेलिंग मैं आपको जो है इतनी डीपली इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए कि FlowBeats किस लेवल का काम कर रहा है और इस इंडस्ट्री के अंदर क्या योगदान देने जा रहा है। यहाँ पर हीरा 3 प्रो मैक्स आप देख रहे हैं सामने, फॉक्स 11 देख रहे हैं और यहाँ पर अर्थक्वेक 2 देख रहे हैं। इनकी वेटिंग चलती है, मतलब आज आप बुक कराओगे तो आपको हैंड टू हैंड नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी आओगे तो ये 3-4 मॉडल हीरा 4 पर आपको हैंड टू हैंड नहीं मिलेगा, इसकी वेटिंग चलती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है, सबको मतलब एक ही टावर स्पीकर चाहिए आज के टाइम पे इंडिया के अंदर, सिर्फ हमारा हीरा सीरीज का, चाहे वो हीरा 1 हो, चाहे वो ब्लैक डायमंड हो, चाहे वो स्मॉल हीरा, चाहे वो हीरा 2 हो, जिनको पूछो वही बोलता है भैया हीरा सीरीज ही चाहिए। तो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई अगर आपके घर में बर्थडे है, कोई फंक्शन है या शादी का माहौल है, आप अपने यहाँ कोई भी हमारा फेस्टिवल है, तो अपने टाइम से पहले जो है अपने प्रोडक्ट को बुक करवा लीजिए, बुकिंग अमाउंट आप देके बुक करवाइए, उसके बाद जो है आफ्टर 10 डेज या 5 डेज या जो भी आपको टाइम देता है, उसके बाद अपना रेस्ट अमाउंट पे कर दीजिए और आपको ट्रैकिंग नंबर एक प्रोवाइड किया जाता है फिर उसके बाद। और आपको दिखाता हूँ पैकिंग कैसे होती है हमारे यहाँ पर। काफी लोगों की ये क्वेरी रहती है कि भैया सेफली तो आएगा ना, सबसे पहले देखिए ये फॉर्म देखिए आप। अच्छा,
कितनी मोटी देखिए ये फोम यूज की जाती है, यहाँ पर इसके ऊपर जो है इस तरीके से पूरा कवर किया जाता है। जी हाँ, इस तरीके से ऊपर रखा जाता है, पूरा ऐसे ही ऊपर ऐसे ही नीचे रखा जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको आगे दिखा देते हैं हम लोग, ये देखिए ये चारों एंगल जो हैं इसके कॉर्नर पे है, इस तरीके से चारों कॉर्नर पे इसके एंगल लगाए जाते हैं इस टाइप से, पूरे फुल एंगल देखिए यूज है, पूरे एंगल एज टू एज देखिए पूरे एंगल, ताकि कहीं पर भी डैमेज होने का चांस ना हो। उसके अलावा यहाँ पर फोम है देखिए, ये वाली फोम, ये आउटसाइड जो है ये आउटर पूरा इसको फोम से किया जाता है, जिसकी थिकनेस जो है 10 mm रहती है। उसके बाद बबल रैप करने के बाद, टेपिंग करने के बाद देखिए ये प्रोडक्ट निकल के सामने आता है। देखो जी क्या बात है, बेहतरीन। अब सोचो कि आपने हीरा 4 प्रो का 15,500 प्लस 2,000 डिलीवरी चार्ज, जैसा गुजरात राजस्थान है तो इतना लगता है, क्योंकि ये देखिए 85 kg वॉल्यूमेट्रिक वेट होता है इसका। तो सोचिए इतना बड़ा पार्सल 17,500 में आपके घर में पहुंच रहा है, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यार मतलब आपके वहां पर ऐसी चीजें मिलती ही नहीं है, और वो भी जो मिलता है कूड़ा कबाड़ा, 25,000-27,000 इतने कॉस्टली मिलते हैं। मैंने पहले पूरे इंडिया का सर्वे किया, उसके बाद जो है मैंने डिसाइड किया कि यार यहीं से सब जगह जो है डिलीवरी दूंगा तो आपको ऐसी चीजें दे पाता हूँ, और वो भी फिर क्वालिटी के अंदर, ये नहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए पूरे ये सारे स्पीकर पैक है, मतलब हिंदुस्तान के अलग अलग कोने पे जा रहे हैं सर ये। इसके अलावा US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सब जगह हमारी डिलीवरी अवेलेबल है, अच्छा ग्लोबली डिलीवरी भी अवेलेबल है, हमारे जाते हैं पार्सल्स। तो ये तो हमारी होगी पैकिंग, अब कहीं पर भी आप हमसे मंगाते हैं ये भी क्लियर हो गया, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको अपना वो मॉडल दिखाना चाहता हूँ जिसके पीछे दुनिया पागल है, जिसकी दुनिया दीवानी है, फैन है। अब मैं आपको हीरा 4 प्रो दिखाना चाहता हूँ, जो कि टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है हमारे पूरे इंडिया के अंदर। क्यों? उसके डिमांडिंग, सबसे ज्यादा डिमांडिंग, सबसे ज्यादा फेमस, एक साल में एक बार निकल के आता है, मगर जब आता है तबाही मचा के आता है। अपनी हीट सिंक को लेके सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है इसके अंदर हीट सिंक लगी है, और 10-10 इंची 4 सबवूफर लगे हैं 135 मैग्नेट के, मतलब 15 इंची के अंदर आपको 135 मैग्नेट मिलता है, मगर यहाँ 10 इंच के अंदर आपको 135 मैग्नेट लगा के दिया है। अब जिन लोगों को नॉलेज है वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता ये जो है बेस के लिए यूज किया जाता है सबवूफर, और यहाँ पर 135 मैग्नेट इसके अंदर इस्तेमाल की गई है, और यहाँ 6 इंची अपर मिड रेंज, 4 इंची लोअर मिड रेंज, और 4-4 इंची आपको हाइस मिल जाती है। उसके अलावा 9.5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से आपको क्या है बेस बूस्टेड, या कि नहीं हाई बेस के अंदर कोई भी सॉन्ग आप प्ले कीजिए, परफॉर्म कीजिए, कहीं पर आपको लैग नहीं मिलेगा, ड्रॉप नहीं मिलेगा। सेमीकंडक्टर चिप यूज की गई है इसके अंदर, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग आईसी का भी इस्तेमाल होता है, ताकि आप जब भी कोई भी सॉन्ग प्ले करें, हैवी सिस्टम के अंदर एक चैलेंज आता है हमेशा के बेस आने के साथ साथ जो है वोकल ट्रबल जो है कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं क्लैश होके आपको क्लैरिटी से जो है हाथ धोना पड़ता है, मगर यहाँ पर आपको पूरी क्लैरिटी मिलती है, और बेस भी अपने आप में ऑटो एडजस्ट मोड में लेके आती है। इस तरीके से इस सिस्टम को डिजाइन किया गया, और हमारे सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू सिस्टम्स को डिजाइन किया जाता है, ताकि जो भी साउंड सिग्नेचर हम लोग देना चाहें वो आपको प्रोवाइड करवा पाए। इसके अंदर आपको 100% रोलिंग बेस मिलती है। एक बार इसको प्ले करते हैं, 13.5 mm वॉल की थिकनेस है, इतना ज्यादा हैवी बेस है कहीं पर कैबिनेट खुल ना जाए, उसके लिए यहाँ पर जो है नेल का भी इस्तेमाल किया गया, किलो का इस्तेमाल किया गया, साथ ही गमिंग का, और हर कॉर्नर के अंदर आपको जो है वुडन के पीसेस मिल जाएंगे एजेस के अंदर, ताकि अपनी ही पकड़ जो है ये मजबूत बनाए रखे। और कहीं पर भी जो है इसके अंदर आपको ओपन एरिया नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ आपको एयर एग्जॉस्ट मिल जाता है इस साइड पे, जो कि 4 इंच का एयरपोर्ट रहता है। तो एक बार इसको प्ले करते हैं हम लोग। करती ऊपर की तरफ चली गई, अब वो ऊपर आपको पूरी वाइब्रेशन, क्या बात है, ये यहां से आवाज आ रही है, ये देखिए बेहतरीन फील कर रहे ना, ये जो मैंने शीशे के ऊपर चिपका दिया है, अब शीशा आपको दिखाएगा कि भाई मेरा क्या हाल हो रहा है यहां। ये देखो, अरे वाह, ये देखिए क्या बात है, ये फील, ये है बात, हीरा 4 प्रो।
जहां मर्जी चले जाओ, जहां मतलब जहां मर्जी चले जाओ इंडिया के किसी भी कोने में, कहीं पर आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। जो बेस लवर है उसको मेरे पास ही आना पड़ेगा, वही इसका जो है लास्ट डेस्टिनेशन है। इसलिए मैं बोलता हूँ द किंग ऑफ बेस के नाम से मुझे जाना जाता है। आप जहां जाते हो वहां कुछ होता नहीं, मेरे यहाँ बेस से कोई समझौता नहीं। किंग ऑफ बेस दोस्तों इसीलिए कहा गया है, फ्लो बीट्स। सर कहां पे आना है, लोकेशन बता दो अगर जाना चाहता है तो। लोकेशन बहुत सिंपल है, केशवपुर सब्जी मंडी गेट नंबर 1 के बिल्कुल सामने की तरफ रोड आ रही है, और गैस गोडाउन के अपोजिट में मेरा जो है गोडाउन है, नया वेयर हाउस हमने ले लिया है। अच्छा। RZ 119 एड्रेस है, कॉर्नर का है। ओके। आपको बहुत इजी लोकेशन कर दी है, ये गली के अंदर अभी हम जहाँ वीडियो बना रहे हैं, और इससे अगला बिल्कुल रोड है, दूर नहीं है, मतलब मात्र ये पीछे और वो फ्रंट साइड पे, ये बैक साइड है वो फ्रंट है, ऐसे रोड के ऊपर हम आ चुके हैं। तो बहुत ईजी है, ढूंढना गूगल मैप के ऊपर सर्च कर लीजिए, हमारी लोकेशन आ जाएगी। नंबर स्क्रीन के ऊपर देखिए, 91-13-900-200, 91-13-200-702 नंबर मेरे हैं, दोनों पे आप व्हाट्सएप पे क्वेरी कर लीजिए, आपको हम वहीं पर मिलेंगे। और टाइमिंग का थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, और संडे वाले दिन जो है हम लोग 12 से 6 रहते हैं, उसके अलावा जो है बाकी अदर डेज के अंदर आपको 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आपको मिलेंगे। तो दोस्तों किसी भी तरह के देखिए, आप लोगों को स्पीकर चाहिए धमाकेदार, घर हिलाना हो, धरती हिलाना हो, पड़ोसी को हिलाना, तो आप लोग आ सकते हैं कहां पर, फ्लो बीट्स पर।